हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब पोर्टल्स में। आज हम आपके लिए बहुत ही बड़ी भर्ती लेकर आए हैं। इस वीडियो को पूरा देखने से पहले हमारा YouTube चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन आप दबा दीजिए, जिससे आपको सारी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप अपडेटेड रहें। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। NPCIL भर्ती 2020 का यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें कि स्टाइपेंडरी ट्रेनी पोस्ट और अदर पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली है। और जो टोटल पोस्ट है यहाँ पे 185 पोस्ट है। तो बेसिकली ये जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया ने, और ये भारत सरकार की कंपनी है जो कि न्यूक्लियर पावर के लिए वर्क करती है। और यहाँ पे आपसे जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आपके पास ITI सर्टिफिकेट है, आपने 12th पास किया है, 10th पास अगर आप हैं तो आप इस पोस्ट के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो लास्ट डेट रहेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का, वो आपका रहेगा 21 जनवरी 2020 का। तो इस वीडियो में आप अंत तक मेरे साथ बने रहिए, जिसमें कि आपको मैं सारे डिटेल प्रोवाइड करूंगा, आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आइए चलते हैं, मैं आपको इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उस पर लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो अभी जो करंट रिक्वायरमेंट चल रही है, तो आज हम जो जिस पोस्ट के लिए हम बात कर रहे हैं, ये स्टाइपेंडरी ट्रेनी पोस्ट के लिए है। यहाँ पे तो बात करें जो इसका नोटिफिकेशन है, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये जो वैकेंसी निकाली है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने, ये वैकेंसी निकाली है। और इसका जो स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, वो 31 दिसंबर 2020 का रहेगा, यानी कि 31 दिसंबर से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे। और जो लास्ट डेट रहेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का, वो 21 जनवरी 2020 का रहेगा, यानी कि 21 जनवरी 2020 तक आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। और ये जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ government.in पे ये न्यूज़ पब्लिश हुई है। ये गवर्नमेंट का एक पोर्टल है जिसमें गवर्नमेंट जॉब रिलीज़ होती है। 28 दिसंबर 2019 को ये नोटिफिकेशन आउट हुआ था। बात करो दोस्तों इस पोस्ट डिटेल की, तो यहाँ पे कैटेगरी सेकेंड जो स्टेपेंडरी ट्रेनी पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे 68 पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें कि 11 पोस्ट यहाँ पे SC के लिए हैं और ST के लिए यहाँ पे 9 पोस्ट है। अदर मतलब अलग जो रिजर्व कैटेगरी उनके लिए भी यहाँ पे पोस्ट है। तो टोटल यहाँ पे 70 पोस्ट हैं जो कि कैटेगरी सेकंड के लिए है। कैटेगरी सेकंड जो ट्रेनी मेंटेनर है उसके लिए यहाँ पे 100 पोस्ट हैं टोटल, इसमें कि 17 SC के लिए हैं। और ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन, इसके लिए यहाँ पे 70 पोस्ट हैं। तो टोटल यहाँ पे 178 पोस्ट हैं, जो कि अदर जो बैकलॉग वैकेंसीज हैं उसमें एक्स्ट्रा जो पोस्ट है 10 पोस्ट एक्स्ट्रा है। तो टोटल यहाँ पे 185 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकली है। तो जैसे कि मैंने बताया था, ये न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया ने ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। बात करो जो इसका यहाँ पे जो पोस्ट है, जो इसमें ट्रेनी पोस्ट में जो यहाँ पे पोस्ट दी गई है, यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी, अगर आप यहाँ पे ITI के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। और ITI के लिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिशियन है उसके लिए 14 पोस्ट हैं, और जो फिटर के लिए यहाँ पे 57 पोस्ट हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे 17 पोस्ट हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए यहाँ पे 7 पोस्ट हैं, मशीन टर्नल के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट हैं। और जो बैकलॉग वैकेंसी हैं उसमें ये अलग अलग हैं, जो कि इलेक्ट्रिशियन के लिए 15 हैं और फिटर के लिए 57, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जो एज लिमिट यहाँ पे मांगी गई है, अगर आप कैटेगरी सेकेंड जो स्टेपेंडरी ट्रेनी है उसके लिए 18 से 24 साल की यहाँ पे एज मांगी गई है। और जो यहाँ पे सेकंड कैटेगरी है जिसमें कि ट्रेनी मेंटेनर है, इसमें भी 18 से 24 साल की एज मांगी गई है। और जो पंप ऑपरेटर कम फायरमैन है, इसके लिए यहाँ पे 18 से 24 तक की एज मांगी गई है। जो पे स्केल आपको मिलेगा, 21,700 रुपये आपको मिलेगा पे स्केल लेवल 3 का, ये आपका पंप ऑपरेटर के लिए होगा। जो आपका कैटेगरी सेकंड है उस मेंटेनर के लिए यहाँ पे 21,700 आपको मिलेगा, और फर्स्ट कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करते 10,500 से 12,500 आपको यहाँ पे मिलेगा। तो बात करूँ मैं इसमें जो अदर डिटेल है, अदर डिटेल की हम बात करेंगे, तो इसमें जो कैटेगरी मांगी गई है इसके हम ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है, ये न्यूज़ कटिंग है, मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलता हूँ आपको। ये ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिक्रूटमेंट है, यहाँ पे काफ़ी सारी अभी जो टोटल 5 वैकेंसी लाइव है जिनके एप्लीकेशन चल रहे हैं, तो आप इनमें से किसी और के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये नंबर 5 जो रिक्रूटमेंट है, ये ड्राइवर टेक्नीशियन के लिए, इसका 17/12/2019 से 6 तारीख तक इसका डेट है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो इंगेजमेंट ट्रेड अप्रेंटिस की पोस्ट है, इसका भी 21 जनवरी तक लास्ट डेट है, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो इस वैकेंसी की हम बात करें, जो
स्टिपेंडरी ट्रेनी है उसके लिए यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इसका नोटिफिकेशन रहेगा जहाँ पे कि फिटर के लिए यहाँ पे 10 पोस्ट हैं और यहाँ पे टर्नर के लिए 5 पोस्ट हैं और 8 पोस्ट इलेक्ट्रिशियन के लिए, वेल्डर के लिए, ये टोटल यहाँ पे पोस्ट हैं जो आप देख सकते हैं। और इसके एप्लीकेशन 31 दिसंबर से अप्लाई होंगे। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए कैसे आप अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे नीचे आप क्लिक करके देख सकते हैं, यहाँ आप अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो डिटेल मांगी गई है कैंडिडेट से, तो यहाँ पे जो मांगा गया आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर आपको अप्लाई करना है, जो NPCIL Career.co पे आपको जाके अप्लाई करना है। अप्लाई आपको 27 दिसंबर 2019 से आपका हो जाएगा। जो आपसे अप्लाई करने के लिए मांगा गया आपके फ़ोटोग्राफ में यहाँ पे JPG फॉर्मेट में आपके मांगे गए हैं और साइज यहाँ पे 1 to 5 1 6 पिक्सल आपसे मांगा गया है। जो फोटोग्राफ आपका कलर होना चाहिए और यहाँ पे जो आपका फ़ोटो अपलोड होगा उसमें साइज़ और फेस आपका क्लियर आना चाहिए जो यहाँ पे बताया गया है। और अदर डिटेल की मैं बात करूँ, जो आपकी एप्लीकेशन उसमें एक सिग्नेचर आपका होना चाहिए जो क्लियर होना चाहिए। और आपके जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देने होंगे आपको, उसकी मैं बात करूँ तो जो आपका यहाँ पे एप्लीकेशन होगा वो आपको यहाँ फिल करना होगा। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के यहाँ पे बताया गया, इसलिए आपको फिनिश इन्फो यहाँ पे क्लिक करके जो आपका अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म टॉप मेन्यू लेफ्ट में जाके आप कर सकते हैं। और जो स्टेप टू होगा, आपको एक्टिवेट आपका अकाउंट यहाँ पे बनाना होगा, आपके जो मेल आईडी से आपका अकाउंट वेरीफाइड होगा। और बात करूँ मैं, जो तीसरा स्टेप होगा, आप जब सक्सेसफुली आप अप्लाई कर लेंगे तो जो एप्लीकेशन लिंक होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल आप उसमें फिल करेंगे, वर्क एक्सपीरियंस अगर आप डालना चाहें, पर्सनल डिटेल आपका, फ़ोटो और सिग्नेचर जो आपका होगा, और एप्लीकेशन लास्ट में आपका सबमिट हो जाएगा। और अदर जो है आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट हैं या मार्कशीट हैं, SSC सर्टिफिकेट हो गया, ITI मार्कशीट हो गई, ये भी आपको अपलोड करना होगा। ये सारी डिटेल इसमें मिल जाएगी। और मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वैसे सारे लिंक डाल दिए हैं, तो ये जो चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप हम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस जॉब का बेनिफिट मिल सके। और जो ये NPCIL है इसमें नोटिफिकेशन निकलती रहती है। अभी करंट में यहाँ पे 5 जॉब की वैकेंसी यहाँ पे चल रही थी। आप अगर यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, उन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पे 5 जो जॉब हैं, 5 जो नोटिफिकेशन है वो अभी अप्लाई हैं। ये 2 पोस्ट अभी इनका डेट नहीं आया है, जैसे डेट आएगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। और 3 जॉब जो यहाँ पे ओपन है, उन पर किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके कोई जो आपका ITI जो ट्रेड है वो मैच नहीं कर रहा, तो आप इनमें से किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये क्लोज रिक्रूटमेंट है जो फिलफिल हो चुकी है और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी गवर्नमेंट जॉब का बेनिफिट मिल सके, वो अप्लाई कर सकें। और लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें इस वीडियो को। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।